मैंने जो अपना काम है 2-3 साल पहले एक रिसर्च से स्टार्ट किया था, चूंकि मैं मेट्रो लाइन के ऊपर रिसर्च कर रही थी कि किस तरह से इसकी जद में आने वाले जो घर हैं वो किस तरह से तबाह हो रहे हैं, आया अर्बन डेवलपमेंट वो किसी पॉजिटिव मरहले की तरफ है या वो किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को टच कर रही है। पूरा तामीर हुआ घर अगर आप एक सेकंड में सोचें कि वो आपके सामने गिर जाए तो क्या बात होगी। मेरा नाम रिदा फातिमा है, मैंने एनसीए से लास्ट ईयर मास्टर्स किया है विजुअल आर्ट्स में 2016 में, और मैं लाहौर बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। मैं एनसीए में जॉब कर रही हूँ। मेरी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें रिलेटेबल होती हैं ह्यूमन सफरिंग से, मैं उनको डॉक्यूमेंट करती हूँ मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल भी होती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, पिक्चर्स होती हैं। उसके बाद जो है उसमें ये है कि उसको प्रॉपर एक रिलीफ स्कल्पचर फॉर्म में उसको डेवलप करना शुरू कर देती हूँ। जिन मसलों से हमारा शहर लाहौर गुजर रहा था और जिस तरह से तामीर का एक सिलसिला जारी और सारी हो गया था, उसी सिलसिले में जो जितने घर आए और फिर लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी यादें जुड़ी हुई थी, मेरे ख्याल में वो सबसे ज़्यादा जो थी हैरान किन और तबाहकिन बात थी। वही घर थे जो कि मतलब अपनी मौजूदा हालत में हमें नहीं नज़र आते। वहीं से मेरा काम डेवलप हुआ, वहाँ से फिर मैंने जो है शाकिर अली म्यूज़ियम में एक अपना एग्जीबिशन किया, जिसका सोलो शो अभी मेरा रिसेंटली एग्जिबिट हुआ है। ब्रिक्स होती हैं, वो वुड की होती हैं, डिफरेंट डाइज यूज़ करती हूँ, जिसमें ऑयल पेंट होते हैं, एक्रेलिक होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। वो डाइज करने का मकसद ये होता है कि उसको बिल्कुल वैसी ही लुक को अचीव करना कि जो कि आपको ओल्ड बिल्डिंग के अंदर नज़र आती है, बहुत अनफिनिश लुक के साथ, जो कि कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है, डीकंस्ट्रक्ट भी हो रहा है। वॉल हैंगिंग्स में आ गए हैं और कुछ काम जो है वो मेरा बिल्कुल सेंट्रलाइज इंस्टॉलेशंस हैं, जिसके सराउंड में आप प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। जिस तरह से घर बनाने में एक पूरा एक्सपेंस होता है, जिस तरह घर बनाने में एक पूरी फील होती है, उसी तरह से उस सिमिलैरिटी जो है वो ड्रॉ की और मैंने उसी पेशेंस और उसी टॉलरेंस के साथ मैंने वो चीज़ को महसूस किया। तस्वीर में काम को जब हम किसी भी काम को देखते हैं, उसका विजुअल एक्सपीरियंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेरे काम के अंदर सबसे अच्छी ये बात थी, मैंने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था इस चीज़ से कि वो काम को आकर टच ना करे। उन्होंने उसी तरह उसको महसूस किया कि जिस तरह से असल ईंटों का एक टेक्स्चर होता है या उसकी सरफेस होती है या एक दरवाज़ा उसको खोलने को दिल करता है, उसमें जाने को दिल करता है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्टफुल मेरे लिए जो है उसका जेस्चर था एक काम का।